तो महाराष्ट्र में जहां एक तरफ वंदे मातरम पर विवाद छिड़ा हुआ है, वहीं महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी की बकरीद से पहले बकरा ऐप लाने की तैयारी है। यानी इस बार मुंबई में बकरीद पर जब बकरा मंडी सजेगी तो उस पर सरकार की नजर रहेगी। न सिर्फ कुर्बानी के लिए बिकने वाले जानवरों की संख्या पर सरकार की नजर होगी, बल्कि उन जानवरों की खरीदार का भी पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा। मुंबई से ईद उल जुहा के ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी नया मोबाइल ऐप लेकर आ रही है। इस बकरा ऐप में बकरियों की कुर्बानी करने वालों की सारी जानकारी रजिस्टर करना जरूरी होगा। ईद से ठीक पहले बकरा ऐप को लाने के पीछे सरकार की अपनी दलील है। सरकार का कहना है कि इससे जानवरों की संख्या और उसके बारे में प्रशासन के पास सारी जानकारी होगी। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार और बीएमसी के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि बकरीद पर ये बकरा ऐप जो लॉन्च की जा रही है, ये आखिर क्या है और किस तरह से सरकार इस ऐप के जरिए बकरों की खरीद पर नजर रखेगी। बिक्री वाले बकरों की जानकारी रजिस्टर करनी होगी, कौन इसको खरीद रहा है और कौन बेच रहा है इसकी जानकारी भी इसके जरिए मिलेगी। बकरों की खरीद बिक्री पर सरकार की नजर रहेगी। जो ये बकरा ऐप है, इसके जरिए बिक्री वाले बकरों की जानकारी रजिस्टर्ड करना जरूरी होगा। कुर्बानी करने वालों की जानकारी भी रजिस्टर होगी, जिसके जरिए सरकार पता लगा पाएगी कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। ऐप से बकरों के विक्रेता खरीदार के बारे में जानकारी मिल पाएगी। जानवरों की संख्या की सारी जानकारी प्रशासन के पास होगी और इसीलिए ये ऐप लॉन्च की जा रही है।